कलिंग समाचार संबलपुर अखिल भारतीय गोंडवाना गोंड महासभार प्रथम राज्यस्तरीय महिला अधिवेशन अनुष्ठित होईछि। एथिरे राष्ट्रीय महासचिव महिला प्रकोष्ठ कांति नाग और छत्तीसगढ़ विधायक अनूप नाग अतिथि भाव जोग देते। अधिवेशन में निशामुक्त ओडिशा गठन ठारु आरंभ कर आदिवासी विभिन्न समस्या उपरे आलोचना करा। एथिसह महिलांकु राजनैतिक क्षेत्र में 50% संरक्षण, शिक्षा क्षेत्र में आदिवासी संरक्षण वृद्धि, पेशा आईन लागू करने भली 6 दाबी संबलित दाबीपत्र मुख्यमंत्री को प्रदान करा, नवंबर सुधा दाबी पूरण करने को प्रस्ताव गृहीत हो। संबलपुर अनुष्ठित प्रथम राज्यस्तरीय महिला सम्मेलन में सारा राज्यर महिला प्रतिनिधि जोग देते। विधायक कंतागढ़ अनूप नाग छत्तीसगढ़। क्या बोलेंगे, समर्पण में समावेश हुआ, आपको कैसा लगा आज समर्पण में हुआ कार्यक्रम? जिस उत्साह के साथ संबलपुर की हमारी मातृशक्ति हमारी बहनें उत्साह के साथ जो फर्स्ट राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया था, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और साथ ही साथ आपके माध्यम से पूरे उड़ीसा के लोगों को बताना चाहता हूं, जो जोश उत्साह हमारे मातृशक्ति महिला शक्ति के अंदर देखने सुनने को मिला, वो निश्चित रूप से अन्य प्रांतों के लिए एक प्रेरणादायक होगा। संबलपुर में ये कार्यक्रम हुआ गोंडवाना गोंड समाज की ओर से महिला समावेश, कैसा लगा आपको यहाँ? हाँ, हम छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं और यहाँ की हमारी मातृशक्तियों को गोंडवाना समाज की मातृशक्तियों से मिलकर हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और हम चाहते हैं पूरे देश की मातृशक्तियाँ इस तरह से कार्य करें और हमारा समाज आगे बढ़े, हम यही चाहते हैं। समाज कैसे आगे बढ़ेगा ये सब देख के आप कैसा है? महिलाओं की भागीदारी तो 50% जैसा कहा जाता है कि आधा हिस्सा उनका है, उससे ज़्यादा बढ़कर हमारी मातृशक्तियों का आज उपस्थिति रहा और मैं समझती हूँ ऐसे इसी तरह से अगर उपस्थिति हमारी मातृशक्तियों में होती रही, हम सब महिलाएं एक दूसरे से मिलते रहें, तो निश्चित ही हमारा समाज आगे बढ़ेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। उनके साथ आप दिन बिताए, कैसा अनुभव? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम तो यही चाहते हैं कि समय समय पे हम यहाँ आएं और यहाँ की महिलाएं मेरे छत्तीसगढ़ में आएं, मैं यही इन लोग से निवेदन करते जा रही हूँ। हमार अखिल भारतीय गोंडवाना गोंड महासभा 2015 रु उड़ीसा रे आरंभ होई छे, किंतु अखिल भारतीय गोंडवाना गोंड महासभा 1934 मसीह प्रथम तार अधिवेशन होता एवं महात्मा गांधी जो जेन स्वाधीनता आंदोलन रे से महासभा जरिया रे समस्त को एकत्रित करी सामिल करथिले एवं ताकु आग को नेथिले। सेटा मु विशेष भाव रे कहबार नुह, किंतु जेतेबेले आदिवासी मान को उपरे किछि ना किछि प्रॉब्लम आसिला एवं गोंड मान को उपरे प्रायत आसिला, सेतेबेले 2009 मसीह रे एटा को पुनरुत्थान करागला एवं एटा हमरो जो जातीय स्तरीय जो महासभा आई ए वर्ष आम झारसुड़े हो वर्ष थे एथर भी आम 2022 डिसेम्बर में 15तम आंतर्जातीय महा अधिवेशन करवा लगी जाऊे। इटा हूँ आम तार झलक, इटा के प्रिपेरेटरी हिसाब से आम नौ आ प्रिपेरेटरी हिसाब से कहीं नौ 2015 मसीह योजनाबद्ध भावे आम 4 संगठन रहा, गोटे महिला, गोटे छात्र, आ गोटे जुब, आ गोटे इन जनरल गोटे संगठन। ये 4 संगठन भितरे महिला संगठनटा कम्प्लीट हो जाइए। आ गत थर भी इन्हें जेन देखीछन सेटा स्टूडेंट आउ गोटे यूथ्र संगठन राज्यस्तरीय संगठन गठित हो एवं जिला स्तरीय संगठन ये मासे भितरे आम कम्प्लीट कर। आतार काम होचे जे आम जेन पातर अंतर हो जेन आईन कानून रे पातर अंतर होचे, गाँव रे गुटे आईन, सहर रे गुटे आईन, गाँव रे गुटे स्कूल, सहर रे गुटे स्कूल, किन पैंट सार्ट पिंधिकी मैंने सुट बुट रे जाऊन, आन ठाने जे भात डालमा खाई पाठ पढ़ुन। किंतु आपण मैंने ठीक जानीछन जे जेते बेले 12 क्लास पाठ पढ़े से मैंने जिते बेले दिशा निर्णय करेंगे कि लाइफ बाछबे समांतरल गोटे गोटे परीक्षा देवे, हेले जेन एनवायरमेंट रे जेन पिला जाइछे आ सर्वभारतीय स्तर रे परीक्षा देला बेले से डाक्टर हेबा कि इंजीनियर हेबा कि ये हेबा से किए बेसी उत्तीर्ण हेबा से जिनिस गुड़ा के भी आम उत्थापन करुचु।
आउ देश तो संविधान रे चली संविधानिक हिसाब से उपस्थापन कर आगे जीवन जहाँ रेजल्ट मिलवा संबलपुर मानसंक रिपोर्ट कलिंग समाचार।